चाबी कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है चाबी। ये अनु कामचोर है, कोई काम नहीं करती। Happy birthday to you. Hey everyone, का हाल बात सब cool? तो आज 13 जून है एंड कल मेरा बर्थडे है 14th जून। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने बर्थडे का व्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो हम लोग मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए कहीं पर जा रहे हैं। साकेत ने सब कुछ प्लान किया है, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे सैलून अभी तक खुले नहीं हैं, तो साकेत को आज की अपॉइंटमेंट मिली है अपने बाल को कटवाने के लिए, तो वो आज जल्दी जल्दी गया है अपने बाल कटवाने एंड मैं अभी सारी पैकिंग कम्प्लीट कर लूँगी, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इतने महीनों के बाद देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है। आप लोग बने रहिएगा इस व्लॉग में, ये आप लोग देख सकते हो सारी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मेकअप जब मैं करूँगी उसके बाद ही रखूँगी। ये है मेरा आउटफिट आज का। आजकल तो भाई मास्क भी आउटफिट के हिसाब से पहनना होता है, वो भी एक फैशन ही हो गया है। और फिर मैं जल्दी से अभी जा रही हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से और अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे एंड जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर दूर है, ब्लू माउंटेन्स रिजॉर्ट। तो फिर वहाँ पर पहुँच कर हम लोग बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए सी यू। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में एंड जो हम रूम चाहते थे कि हमें लेक के सामने वाला व्यू मिले, बट वो तो मिल नहीं पाया। तो हमें जो व्यू मिला है वो उतना खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी रूम काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग यहाँ आपको रूम का टूर देंगे एंड फिर उसके बाद बाहर जाएंगे एंड फिर वहाँ का व्यू आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए मैं आप लोग को अपने रूम का टूर कराती हूँ। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है चाबी। अरे तो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास तो था। नहीं, मेरे पास नहीं है। टेक टू। हम लोग चाबी नीचे फ्रंट डेस्क से लेकर आए, तो चाबी है इस बार। कभी चाबी है क्या? वो अनलॉक करो, वहाँ पे देख लाच लगा होगा। अच्छा। क्या बोलना है? क्या बोल रहे थे इसके पहले? यही कि अनु कामचोर है, कोई काम नहीं करती। क्या ये नहीं बोल रहे थे तुम? झूठ मत बोलो, बताओ क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे है आज, सो तुमको कोई काम करने का जरूरत नहीं। मतलब क्या बर्तन मानना था क्या यहाँ पे आके? पूरा ट्रिप का प्लानिंग हम कर लेंगे। ओके, तुम बस एंजॉय करो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वैसे हर ट्रिप में बस कल भर के लिए। नाइस, मैं फुल टाइम। ये रिंकी के पापा जैसा क्यों पढ़ रहे हो उल्टा न्यूज़पेपर? नाटक कर रहे थे बस प्लानिंग करने का। यही सिखाता है मुझे सारे एक्सप्रेशन कि कैसे मुझे पढ़ना चाहिए उल्टा पेपर। एक्सपर्ट है ये उल्टा पेपर पढ़ने में।
आखिर देख रहा है कि हमें कहाँ जाना है लंच करने के लिए। हमें भूख लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। एंड मुझे भूख कब लगती है ये पता तब चलता है जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्साने लगती हूँ साकेत पर, चीज़ें इधर उधर पटकने लगती हूँ, तब साकेत समझ जाता है कि मुझे भूख लगी है। और अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं कहीं पर, लेट्स सी कहाँ पर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अभी खाने पहुँच चुके हैं। ये ट्विस्ट किचन एंड कॉकटेल है इस रेस्टोरेंट का नाम। अभी हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ताकि तुम्हें भूख लगी है क्या? बहुत ज़्यादा। मैडम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पकड़ा जाएगा। ये बोलते ही हमारा खाना आ चुका है। साकेत रुक जाओ प्लीज, मुझे वीडियो लेने दो, वीडियो ले। फाइन फाइन। खाना आता है, वीडियो नहीं ले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले वीडियो उसके बाद ही खाना है। अब इन्फ्लुएंसर से शादी करने का ये कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा तुमको। ये देखिए, इसे यहाँ पर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इसको पत्ता गोभी का बच्चा कहना चाहिए, इसी को छानदी से। जैसे इंडिया के हर रेस्टोरेंट में प्याज और अचार साथ में मिलता है, वैसे यहाँ हर डिश के साथ फ्राइज मिलता है। इसको क्या नाम बताए थे? चिकन चिबाता। चिकन चिबाता, कुछ ज्यादा ही चिबाना पड़ रहा है, इसलिए शायद इसका नाम चिकन चिबाता पड़ गया। थोड़ा आराम किया जाए अब। देखो हमको ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है, लेकिन ये होटल सबका कंबल को खींचने में तो ऐसा लगता है जैसे अपर बॉडी वर्कआउट ही हो जाता है। Social inertia is important here. This thing can be the effect on those. सब कुछ चोरी करता है होटल से सब लोग, शैम्पू कंडीशनर कंबल चोरी ना कर ले, इसलिए शायद इतना ज़्यादा जोर से इसको दबा के एकदम चीप के रखा रहता है। अभी यहाँ पर 10 या 10:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी डिनर करने के लिए आए हैं, क्योंकि दिन में सो गए थे घोड़ा बेचकर। और यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो रहे हैं, तो हमें लगा कि खाना मिलेगा नहीं, लेकिन लकी थे हम लोग कि हमको एक रेस्टोरेंट मिल गया खुला हुआ। और गेस व्हाट, बिल्कुल लेक साइड पर हमें मिला है टेबल, बहुत ही खुश है हम लोग। और मैं आप लोग को फिर यहाँ का व्यू दिखलाती हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है। तुम खा रहे हो, ऐसे दोस्त होते हैं, जो होते हैं ना दोस्त लोग कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम बस मंगा लो। बोला कि उल्टा बोला कि कुछ नहीं खाऊंगा मैं तो बस। और देखिए पूरा चट कर चुका है अभी तक, मेरी पूरी, मैंने मंगाया था ये तो पूरा खा गया। इन रियलिटी ये डिनर साकेत ने मंगाया था, एंड अनु बोली थी कि भूख नहीं है उसको। प्रूफ क्या है? क्योंकि वो हर बार करती है टिपिकल अनु, बट अनु का बर्थडे तो कुछ बोल नहीं सकते। देना पड़ता उसको खाने के लिए, झूठ है ये। पूरा प्लेट खत्म कर चुकी, चिकन था इस, चिकन एंड राइस था, अब बस राइस बचा हुआ है। गजब बेइज्जती है। ये देख लीजिए, आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा ये साके सच बोल रहा है या फिर झूठ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड ये तुम्हारे हर 10 साल के लिए एक कैंडल है। तब तो फिर इसमें 5 होना चाहिए। ओ हाँ, 51 होना चाहिए। हाँ, तो ये 5 वहाँ कहाँ है? 10 साल घटा दिए तुम तो, एक और लगा दिया जाए फिर तो। 10 साल जवान हो गई। हैप्पी बर्थडे, ठीक है हो गया। थैंक यू। ओके अनु, अभी आंख बंद करो अपना। आंख बंद करो, कोई गिफ्ट लाया क्या मेरे लिए?
घर पे तो हम लोग दोनों रहते हैं, तुम कब खरीद लेते हो ये सब? ये तो कहाँ से स्टार्ट करें? ये यूज कर सकती हो अंधा बनने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा मेरे। वाह अरे अंधा लग रहा है यार, पूरा गोलमाल मूवी के बहुत स्टाइलिश गोलमाल मूवी के परेश रावल लग रहे हो इसमें। wow. अंधे लग रहे हैं ना, देख लो गिफ्ट दिए तो अंधा लगने का अच्छा। अरे पूरा लाठी दे दो बस अंधा। wow. इसी कोटा से मेरा यूपीएससी निकल जाएगा तो। wow. तुमको भी नहीं दिखी, दिखा? हम कहाँ से देखेंगे? जा बेटा बर्बाद हो गया तुम्हारा अनबॉक्सिंग। था तेरे कैसे कैसे हो गया? अनफॉर्चुनेटली साकेत के स्पेशल गिफ्ट की शूटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन वो गिफ्ट क्या था ये तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पिक्स देखकर ही समझ में आ जाएगा। पर अगले एपिसोड में खूब सारा फन एक्टिविटीज करके गर्दा उड़ा दिए हैं। यही लो तो कहते हैं हमारे बर्थडे का बवाल और धमाल देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब किए रहना बहुत जरूरी है, बुझे?